हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक और जैसे कि आप देख रहे हो थामनेल के अंदर की एक लैंडस्केप है मूडी लैंडस्केप के तौर पे इसे हम यूज कर सकते हैं और जब बहुत ज्यादा इस लैंडस्केप को आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो से सेमी एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं तो आ, बस एक एक्सपेरिमेंट है और इस तरह से लैंडस्केप को करना है मजा आएगा थोड़ा तो देखते हैं थोड़ा सा मैं जो लाइट ऑन करता हूं ओके पेपर को पूरा रखता हूं स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको अच्छी तरह दिखे हेलो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून संजय जी आठ एरिगेटो हाय थैंक यू फॉर वॉचिंग चलो स्टार्ट करते हैं जस्ट एक मोटी लैंडस्केप है आज इधर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कुछ लाइन ड्राइंग्स है उसे कर सकते हैं नहीं भी कर सकते कर सकते हैं थोड़ा सा आ, अच्छी तरह प्लानिंग हो जाएगा कि कहाँ पे क्या करना चाहते हैं हम और नहीं कर सकते ऐसा कि ये थोड़ा बहुत वाटर कलर मीडियम के साथ दाएं बाएं जाएगा तो कोई तो दिक्कत तो नहीं आएगा उसी हिसाब से नहीं भी कर सकते जस्ट एक आपके हमने कुछ इस तरह से है इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यस काफी ब्यूटीफुल है आप देख पा रहे हो काफी खूबसूरत है क्लाउड्स है आ, हमें क्लाउड्स के साथ थोड़ा ड्रामा करने के मौका मिलेगा यहाँ पे देखो जैसे दूर जाते चीजें ब्लू के साथ थोड़ा सा जो कलर ग्रीन के साथ ब्लू के साथ जो मिक्स होता है वो भी आप देखिए कलर पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है सामने की ओर से दूर तक है ना और धीरे से ये मर्ज हो जाना कई बार वो दूर वाला पहाड़ जो है शार्प दिखता है तब भी आपको मर्ज करना क्यों उसे थोड़ा सा दूर डेप्थ महसूस करने के लिए तो इस तरह से मैं भी सोचता हूँ और आप भी सोच सकते हैं और चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं सही टाइम है बिल्कुल हेलो हेलो अनुराधा जी चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अभी आपके कमेंट्स नहीं देख पाएंगे थोड़ा मैं काम स्टार्ट करता हूँ उसके बाद फिर देखेंगे बात करेंगे जो भी सवाल है आप डाल सकते हैं यहाँ पे ओके कई बार पूरा पेपर भी गिला करके करते हैं कई बार स्टेप बाय स्टेप भी काम करते और इससे पहले भी मैं जो थोड़ा सा ट्राई किया उससे पहले एक बार दिखा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ये जैसे कि कुछ आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूडी लैंडस्केप के मैंने किया है। इन गर्मी में तब गर्मी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश किया कुछ इस तरह से और भी एक सा। गया। और था कामयाब और ही प्यारा था, 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 था। यस yes. ये देखा आपने इसके बाद ये कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है टेक्चर के ऊपर भी और किस तरह से क्या हो सकता है तो जितना हम करते हैं प्रैक्टिस उतना ही थोड़ा सा उसके बारे में वाकिफ हो जाते हम जान पाते कि किस तरह से लैंडस्केप को हम हैंडल कर सकते हैं ओके तो आज थोड़ा सा देखते हैं कुछ फ्रे वगैरह कर लेते हैं ओके okay. ऊपर जो है क्लाउड है क्लाउड 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 कुछ आसमान आसमान एकदम नीला नहीं है तो उसके साथ थोड़ा सा हम ऑरेंज यूज कर सकते हैं यहां पे कोबल ब्लू अल्ट्रामरीन थोड़ा ऑरेंज के साथ और ज्यादा ऑरेंज 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 अल्टा वाटर कलर क्या है पानी में तैरना चाहिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जो टिश्यू के जरिए भी क्लाउड का क्लाउड बना सकते हैं पूरी ड्रामा करने की कोशिश एंड ये एरिया ड्रामा करने का लाइक जब यहाँ पे जैसे शार्प दिख रहा है तो टिश्यू के जरिए तो थोड़ा सा इस तरह से करने से को थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है और इन नीचे वाला पार्ट में ज्यादा सोचना ही नहीं है ठीक है इसके साथ लेके आ जाएगा ओके okay. अभी कुछ कलर जो दिख रहा है मेरिडियन अल्टमेरिन तो इस तरह से आप अगर स्टेप स्टेप करके आ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक कहा जा सकता है इसे शुभ रंग है रंग के साथ थोड़ा सा खेलेंगे मजा आएगा थोड़ा सा एलिजरिन क्रिम्सन क्योंकि एलिजरिन ट्रांसपेरेंट है और भीडियन भी रंग के साथ परिचय होना भी बहुत जरूरी है कौन सा रंग किस तरह से बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे वेराइटीज में है कलर और थोड़ा सा समझ होना बहुत जरूरी है यहाँ पे मैं सैप ग्रीन यूज करूंगा ऑलिव ग्रीन यूज करूँगा नहीं क्योंकि ऑलिव ग्रीन जो मेरा है अंदरशिया ग्रीन है जो कि डेन स्मिथ का है उसमें टेक्स्चर है और इसमें डेप्थ में मुझे इतना टेक्चर की जरूरत नहीं है ज़्यादा दूर है थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करूँगा इसके वजह से यहाँ पे येलो शैप ग्रीन के साथ में जैसे जैसा मुझे महसूस हो रहा है कुछ ऐसा है। इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं हम और कलर को गिले गिले में एड ऑन किया जा रहा है आसमान में और थोड़ा सा कुछ अगर अब क्या स्टेज है तो याद नया मतलब कुछ भी हो सकता है जो स्टेज है तो मेरे कहने के मतलब ड्राई मो हो, हो गया तो वो पैचेस आता है तो फिर भी मैंने एक झलक लगाया कलर मैं चाहता हूँ और थोड़ा ड्रामा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ख़राब होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता और ज्यादा मैं उस आसमान के साथ इस कलर को ये जो मिक्स हो रहा है ये करना था इसके वजह से मैं ऊपर से कलर को डाला कोशिश चल रहा है थोड़ा व्हाइट कलर डालने का वाइट लेवेंडर तो स्मोक वाला जो फीलिंग है उस क्लाउड के साथ जो मिलने का जो प्रक्रिया है उसे मैं सफल कर पाऊ बट इसके बीच में मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसके बीच में थोड़ा सा डार्क कलर छोड़ना था पहले पहला पार्ट में तो वो थोड़ा सा छूट गया आ, इसे थोड़ा सा मैं पेंस ग्रे के साथ डार्क की तरफ जाने की कोशिश करूंगा इस तरह से यहाँ पे जो पहाड़ी है वो भी महसूस करना इसकी जो चोटी है ऊपर की तरफ है और फिर उस चोटी के बाद यहाँ पे कुछ लाइट सा है कला को महसूस करना ही होता है मेन बट पूरा पूरा दिखाना नहीं होता मतलब इस तरह से थोड़ा सा ड्रामा करेंगे और जितना ड्रामा करेंगे उतना ही मजा आता है और जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा करना करने से ही समझ में आ सकता है कि ये किस तरह से काम करता है ओके okay, अभी इसमें थोड़ा सा मैं ऑलिव ग्रीन जो कि अंदर से ग्रीन है मेरे पास वो थोड़ा सा सांस ग्रे के साथ थोड़ा सा लगाता हूँ थोड़ा सा और को इंक्रीज करने के लिए और इस समय छटपटा के नीचे काम नहीं करना ताकि ऊपर का जो ड्रामा करना के प्लान था वो नहीं हो पाएगा थोड़ा मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा वाटर में स्प्रे कर रहा हूँ कुछ ड्रामा होगा या खराब होगा दोनों में एक तो होगा कुछ खराब होके कहाँ तक जाएगा यहाँ पर भी थोड़ा सा व्हाइट के साथ लेवेंडर मैं इस लैवेंडर की प्रयोग स्मोक के लिए ही करता हूँ ज्यादातर यहाँ पे स्मोक दिखाना हो तो सिंपल करके धीरे 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 मैं इस काम को कर रहा हूँ और और इसे जब आप करेंगे अपने लेवल पे थोड़ा सा टाइम दीजिए और बिल्कुल होगा समझ पाएंगे कि किस तरह से होता है मेरिडियन पेंस वे एंड अल्टा ये थोड़ा ड्राई हो गया थोड़ा सा लेट हो चुका फिर भी महसूस हुआ तो मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे जो दूर घास का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा नमी रहते रहते थोड़ा मैं देने की कोशिश कर रहा हूं स्टेज में हम इस अगर ड्राई कर लेंगे नहीं तो क्या होगा कि पूरा कलर जो है नीचे आ जाएगा और नीचे आते ही क्या होगा ये वाला जो कलर जितने भी मैक्सिमम कलर जो नीचे आ जाएगा ठीक है तो इसलिए इस वाला पार्ट को थोड़ा सा इंटीरियर करेंगे तो कोई सवाल है तो जरूर कीजिए हेलो 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 आर्टेक्टिक्स आर्टेक्टिक्स सॉरी कुछ तो रेणू जी थैंक यू रनमय जी ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन और आगे बढ़ते थोड़ा इसे थोड़ा ड्राई करते हैं और आपके कुछ सवाल है तो जरूर कीजिए और इसके साथ में बताना चाहूँगा आज मैंने एक जूम मीटिंग आ, के जरिए आप सभी से सामना सामनी बात करना चाहता हूँ और वो जूम आ, मीटिंग के लिए आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने की कोशिश करता हूं एक सेकंड कॉपी लिंक हाँ तो इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए आज शाम को सात बजे हम एक मीटिंग रखे है दो घंटे के लिए मीटिंग रखा है मैंने तो उस मीटिंग के अंदर आपके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है कुछ भी है आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं और मेरे अपडेट्स जो भी है क्लासेस वर्कशॉप और मेरा प्लानिंग इन फ्यूचर जो भी है थोड़ा बहुत आपको शेयर करेंगे और आर्ट मटेरियल्स जो अपडेट है आज के डेट में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारी चीज जो भी आपके सवाल है और कहाँ से ड्रेसेस मिल सकते हैं अच्छा कलर क्या मिल सकते हैं क्या पेपर लेना चाहिए क्या है हम आज के डेट में बहुत सारे पेपर्स कलर यूज कर रहे हैं ना तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा आप जल्दी से जल्दी उस चीज को जान पाएंगे और किसी ब्रांड को प्रमोट के लिए नहीं है एक सच्चाई का सामना होगा आज शाम को सात बजे जो मैं मटेरियल्स के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया आप ज्वाइन कर लीजिए बिंदास और वहां पे जूम लिंक ऑलरेडी दिया है और एक बार शेयर करूंगा मैं क्लास से पहले आई मीन्स मीटिंग से पहले यहाँ पे एक चीज है कि ओनली हंड्रेड लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके वजह से आ, आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्विकली ज्वाइन करना है सात बजे से पहले थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही आपको जो इम्पोर्टेंट है ये आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए पहले से क्योंकि हंड्रेड से ज्यादा जूम अलाउ नहीं करेगा तो जूम अलाउ करता है बट मेरा जो प्लानिंग के मुताबिक जो जूम का जो प्लानिंग मैंने लिया उसमें हंड्रेड पीपल उसमें आएंगे तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो आप आ, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए वहां से मैंने आपको शेयर करूंगा लिंक ओके तो यहाँ पे बातो बातों बातों में काफी टाइम लिया है और थोड़ा तो सा ड्राई कर लेते हैं तो so, आधा पेंटिंग हो चुका है और तो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट सामने हमने डालना है सामने वाला पार्ट में और फोरग्राउंड में थोड़ा सा हम कलर को और लाइट कलर को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि खूबसूरत हो जाए और देखिए पैलेट को बार बार साफ करना और इस्पॉन्ज का इस्तेमाल करना ये सब बहुत ही जरूरी है आ, एक अच्छा पेंटिंग करने के लिए फ्रेस पेंटिंग करने के लिए ओके okay, ये क्या अभी मैंने उस कलर को लॉक कर दिया उधर है अभी तो नीचे नहीं आएगा मैं एक पैलेट भी साफ़ करना है ऐसा नहीं जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसी में चल रहे तो उस वैसे ही फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा ज़रूर ओके okay. उस तो समय क्या स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा है पूरा जो काम कई बार हम पूरा गीला करके काम करते आज इसको हम समझ समझ के काम कर रहे और अभी थोड़ा सा यहाँ पे वाटर लगा के छोड़ता हूँ लेमनो से स्टार्ट होगा लेमन से स्टार्ट होगा सैप ग्रीन सैप ग्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरिडियन की जरूरत नहीं पड़ेगा जहां तक और ये अंडर सिया ग्रीन जो है जो ऑलिव ग्रीन की जो मैं बात कर रहा था उस पे जाके ये समाप्त होगा एक सेकेंड तो अभी थोड़ा सा से ग्रीन सेफग्रीन ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले क्या किया गीला किया इससे येलो लाइट येलो से यहाँ पे जो बाउंड्री बन रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री नहीं बनना चाहिए वो जो एक बार ड्राई हुआ पीछे इसके वजह से हो रहा है ठीक है धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा इसमें जब कलर स्केल बढ़ेगा तो वो ओके ग्रीन। अभी यहाँ पे जो है अंदर से ग्रीन जो है वो यूज करते हैं या सैप ग्रीन के साथ आप थोड़ा सा बन यूज कर सकते हैं थोड़ा बेडियन ऐड करता हूँ ज्यादा ब्राउन हो गया था बन टम्बर के जरिए और देखो ये गीले गीले में करने से क्या सॉफ्ट होगा इसलिए बहुत सारे वाटर है आप देख पाएंगे कि वाटर में एकदम फ्लो कर रहा है ये और लाइट सोर्स इस तरह से काम कर रहा है, तो ध्यान रखते हुए और तो जो भी मैं स्टोव यूज कर रहा हूँ इस तरह जब पहाड़ी पे मैं लाइट रखने की प्लान कर रहा हूँ वाटर ड्रॉपिंग दिया और ज्यादा वाटर ऐड हो गया उसमें खुद से कुछ ड्रामा करना चाहिए पूरा छूट है थोड़ा ब्रिडियन थोड़ा अंदर ग्रीन और थोड़ा सा लूना ब्लैक लेके आते लूना ब्लैक थे थोड़ा सा टेक्चर आएगा तो भी ठीक है सामने वाला पार्ट में ज़्यादा वाटर यूज करने का बहुत फायदे है आ, वो बाद में सॉफ्ट होता है अच्छी तरह नेचुरल हो जाता थोड़ा लगता है नेचुरल जैसा क्विकली so एक मूडी लैंडस्केप आपके सामने तैयार हो चुका और इस पे कैसे पिक्चर आएगा आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरफ टेक्चर चाहिए ये व्हाइट कलर के साथ थोड़ा अंदर से ग्रीन जो है थोड़ा मिलाया लेवेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं बट थोड़ा वाइट के साथ वाटर कलर की अगर ड्रामा नहीं किया तो क्या किया तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए थोड़ा सा वक्त दीजिए वो तो टेक्चर उस नजर आएगा तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए तो मज़ा आएगा और अच्छा रहेगा और जो ज्यादा इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस ऑनलाइन क्लासेस है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका डिटेल्स और रेफरेंस फोटो मैं पे इंटरेस्टेड रहता हूँ ज्यादातर मैं बचपन से स्टार्ट किया था पेंटिंग करना क्लास थ्री से गुड अच्छे अच्छे सवाल आ रहे वेरी नाइस थैंक यू और अभी जो भी है सूखने के बाद आप इंस्टाग्राम के जरिए देख सकते हैं मैं कोशिश करूंगा आज ये पेंटिंग यहाँ पर भी शेयर करूं यूट्यूब पर भी ज़्यादा समय नहीं लिया आपका थोड़ा ही समय लिया और जैसे कि जूम मीटिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें तो वहाँ से आपको आ, जूम मीटिंग मैं दूंगा आज सात बजे हम मिलते हैं थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपके जो भी वाटर कलर रिलेटेड जो भी सवाल है जो भी कुछ पूछना चाहते या गप सप करना चाहते आज मेरे पास टाइम है आज के दिन मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ फ्री मेरे इस काम के लिए रहता हूँ <coughs> के थोड़ा सा पेंटिंग के लिए ओके थैंक यू बर्ड लव थैंक यू आर्ट वेरी हाँ यस वाटर कलर ड्रामा एक्चुअली ड्रामा होता ही है विदाउट ड्रामा वाटर कलर कंप्लीट नहीं होता वाटर कलर का जो चलने का तरीका है वो इस तरह से ही है ठीक है तो अभी देखेंगे यहाँ पे सब पिक्चर आने लग रहा है धीरे धीरे तो वही देखना है आपको उस पर ध्यान देना है भागना नहीं है इसको रख के तो कितना क्या आपको देना है टेक्सचर करना है वो उसी हिसाब से आपको कलर अप्लाई करना है और ये सब एक दिन में नहीं होगा आप जब बार बार करेंगे तो आपको महसूस होगा धीरे धीरे क्या चीज़ कितने में क्या हो रहा है है ना कितने यूज़ करने से किस तरह से हो सकता है ये सारी बातें हैं। तो so, मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छा लगा लड़ीजा मैम आई लव इट माई न्यू पेंट लाइक दिस एंड मेक इट लुक सो सिंपल हाँ यस मैम हाँ कुछ टेक्निक्स होते हैं उसको समझना होता है और uh, अनुराधा जी थैंक यू सो मच Uh, मेरे लिए uh, बहुत सारे आर्टिस्ट है मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम uh, मैं हर किसी से सीखना चाहता हूं और सीखता भी हूं और कोई एक चीज़ तो नहीं है पेंटिंग में कि मैं इनसे सिखाऊं और ये चीज हो गया हर एक आर्टिस्ट जो है उनके एक स्पेशलिटी है जो भी आर्टिस्ट का जो स्पेशलिटी है उसको मैं नोट करता हूँ वो अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो और सारे आर्टिस्ट को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनके काम को रेस्पेक्ट करता हूँ चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो उम्र में ओके और कुछ सवाल इंटरेस्टिंग नहीं मैं नहीं मैं नहीं समझता कि मेरा स्टाइल कोई यूनिक है मैं सभी से सीखा हूँ और कला की जगत में ऐसा ही होता है कोई भी कला जब आप किसी चीज को बे इंतहा से आप काम करते हैं बहुत मोहब्बत के साथ काम करते बहुत फैशनेट होके काम करते तब अपने आप एक सिग्नेचर तैयार होता है अपने आप एक आ, उसका पहचान बनता है वही है अभी भी मुझे नहीं लगता है उसमें भी बस से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और जो सिखाए उनको थोड़ा सा याद कर रहा हूँ वो कैसे काम किया जो इस फील्ड में मास्टर है उनको मैं फॉलो करता हूँ तो इस तरह से बस इतना है कि आज की डेट में जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है उन सबको मैं अपना काम में बिल्कुल आ, सिखाता हूँ शेयर करता हूँ जो आ, आज आज की डेट में जियो मुझे अचीव है वो मैं आ, बड़े आसानी से बड़े सिंपल करके समझा देता हूँ और काफी अच्छा काम कर रहे अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स uh, जो है मेरे इंटरनेशनल ऑनलाइन कंपटीशन में विनर भी उसमें वर्क में सिलेक्ट हुआ है कुछ और इस तरह से काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हो गया लॉकडाउन से पहले से मेरा ऑनलाइन स्टार्ट था क्लासेस और कुछ स्टूडेंट्स उस समय से है तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी होता है कि इस तरह से जो अगर स्टूडेंट है काम अच्छा करे और, और कोई कहते हैं कि अरे वाह तो मजा आता है थोड़ा सा तो इस हिसाब से मैं उस दिन से डे वन से लेकर के आज तक मैं अपने जो पेंटिंग्स जो भी मैं मुझे आता है जो भी मैं जानता हूँ वो सब कुछ शेयर करता हूँ और ताकि जल्दी से जल्दी जो भी मेरे पास है चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में वो सीख पाए अभी रिसेंटली मैंने कोलकाता में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया और उनको बेनिफिट ये भी है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने वाले को ऑनलाइन भी एक में एसेस दिया हूँ कि ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे साथ में उतनी ही फीस में थैंक यू बटल यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आर्ट से uh, जो मतलब जो भी कोई आर्टिस्ट है uh, कई बार वाट्सअप करते हैं उनके uh, उनके नाम uh, गुप्त रखते हैं उनके नाम के आगे कुछ इमोजी मिलता है कुछ ना कुछ स्टीकर कुछ ना कुछ uh, ऐसे उल्टा पुलटा लिखा होता है तो आप देखिए आप आर्टिस्ट हैं आपके नेटवर्क होना अच्छा जरूरी है आपके जो भी सामने वाला का काम अच्छा देखा मान लो और आपके नाम को सेव करना चाहता है तो आपके नंबर व्हाट्सएप आपका भी किया हुआ या ग्रुप में है। आप जब सेव करने जाते हैं तो उसमें वो उल्टे सीधे चीज़ें दिखता है तो उसमें क्या होता है वो नंबर फिर सेव नहीं करते फिर आपका जो नंबर सेव नहीं होता छोटा सा एक मैसेज है कि आप व्हाट्सअप में सेटिंग में जाइए अपना नाम प्रॉपर लिखिए इससे कुछ नहीं होने वाला नुकसान मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान होने वाला है नुकसान होना तो और भी कई तरीके से नुकसान होते हैं बड़े बड़े हैक होते रहते हैं आजकल ओके तो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक दिया वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी मेरा आज के डेट में अपडेट्स है मतलब जब भी मैं करता हूँ जो भी कुछ करता हूँ चाहे लाइव आता हूँ यूट्यूब में तभी मैं वहां पे वहां पे ही बताता हूँ कि लाइव आता हूँ अभी नहीं बताया क्योंकि वहां पे एक जूम मीटिंग दिया और फिर वो काफी क्लैटर हो जाएगा चीजें तो इसलिए नहीं तो जब भी मैं यूट्यूब में आता हूँ जो भी कुछ करता हूँ उस ग्रुप में जो लिंक आपको दिया वहां पे मैं बताता हूँ कि ये लाइव आ रहा हूँ जो भी है और जब क्लास होता है सिंगल क्लास कल्चर जब भी जो भी कुछ अपडेट है वहां पे मिलता है आर्ट मटेरियल से रिलेटेड रिलेटेड जो भी है वो भी मिलता है थैंक यू स्वाति जी स्वाति मैम अनुराधा मैम थैंक यू ओके तो इस तरह से जो भी अपडेट्स है आपको मिलता जाएगा इस ग्रुप के जरिए और इस ग्रुप के जरिए आज एक मीटिंग होने जा रहा है शाम को सात बजे इसी मीडियम के साथ वाटर कलर मीडियम के साथ कि ये आपको कैसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो भी है आपको जानना चाहते हैं मुझसे ये सारी चीज को लेकर के मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच एंड टाटा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ थैंक यू